हेलो दोस्तों, अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका डिटेल्स मैंने पहले के वीडियो में दिया है, जिसका लिंक आज के वीडियो में दिया गया है। और उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट्स है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सो बोनाफाइड सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करें, किस तरह से फिल करें और बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा, इन सारे चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को इस स्कॉलरशिप का पूरा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वर्क के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग अलग होता है। इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम scholarshiphelp.in के साइट पर जाते हैं और वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को डाउनलोड करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट सभी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। आप देख सकते हो कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट के PDF को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें और सभी दिए गए डिटेल्स को केयरफुली पढ़कर समझ लें और उसके बाद ही फिल करें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेज, यानी यहाँ पर आपको अपना नेम को फिल करना है। देन आफ्टर आपके अपने गार्जियन का नेम यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का आपका जो रोल नंबर होगा उसको यहाँ पर फिल करना होगा। और यहाँ पर आपको अपना कोर्स का नेम फिल करना होगा। नेक्स्ट है एकेडमिक ईयर, यहाँ पर आपको अपना एकेडमिक ईयर फिल करना होगा। जैसे कि मान लिया कि आप 2020 से 2021 सेशन में हैं तो आपको इस सेशन को यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी या स्कूल या फिर कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल करना होगा, यानी आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। और देन आफ्टर आपको यहाँ अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज के जो भी रजिस्ट्रार हैं या फिर प्रिंसिपल हैं या फिर डीन हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर करवाना होगा। और यहाँ पर आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पर एड्रेस के साथ फिल करेंगे। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि इन डिटेल्स को फिल करने से पहले आप अपने कॉलेज में इस प्रिंटआउट फॉर्मेट को ले जाकर, यानी आप जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो उसमें आप जाओगे और उस संस्थान के जो लेटर पैड होंगे, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज या इंस्टीट्यूट का अपना एक लेटर पैड होता है, तो इस सेम फॉर्मेट को, यानी जो यहाँ पर फॉर्मेट दिखाया हुआ है, इस सेम फॉर्मेट को वहाँ के लेटर पैड पर प्रिंट करवाना होगा। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, तो इस सेम फॉर्मेट को वहाँ के लेटर पैड पर प्रिंट करवाना होगा। तो इस सेम फॉर्मेट को अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज के लेटर पैड पर प्रिंट करवाने के बाद आप इन सारे डिटेल्स को फिल कर लोगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। और इन सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद ही आप अपने संस्थान से जुड़े प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार या डीन का सिग्नेचर यहाँ पर करवाओगे और साथ ही साथ मोहर या फिर स्टैम्प भी यहाँ पर लगवाना अनिवार्य है, यानी ऑफिशियल सील या मोहर यहाँ पर लगवाना अनिवार्य है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस समय आपका ये प्रक्रिया चल रहा होगा, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने का जो प्रोसेस हो रहा होगा, उसी समय आप इससे रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे उनके थ्रू आप अपने इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर ज़रूर लिखवा लें, क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करते समय सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होता है। दैट्स वाई
आप इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर जरूर से जरूर लिखवा लें। सो इस तरह से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस कंप्लीट होता है और आप इजली बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।